Oh my wow. God. Oh my God, my God, my God, my God. Hey. अब बस फिलहाल जो टाइम नहीं है. हम आ गए हैं वापस RS 13 पूरी पे. तो गाइस आज हम बहुत एक्साइटेड हैं क्योंकि हमने यार पिछली बार ये पॉपिट चॉकलेट चैलेंज ट्राई किया था और आपने बहुत सही सही कमेंट्स करे यार. हम उसमें फेल हो गए थे, हम पूरा नहीं कर पाए थे वो वाला चैलेंज तो यार. लेकिन इतने सही सही कमेंट्स आए हैं तो हमने सोचा है कि यार एक बार और ट्राई करें. क्यों पुनी, ट्राई तो करना होगा. एंड गाइस एक और बात है, हमारी गलती पता चल गई है. हमें पता चली नहीं चली वो तो हम इस बार ट्राई करेंगे तब पता चलेगा कि इस बार हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे. हमने कमेंट से कुछ सीखा है, आपने जो जो भी कमेंट्स करे थे हमने अच्छे से पढ़े वो कमेंट और हमने देखा कि हमने क्या गलती करी थी. इस बार हम वो ट्राई करेंगे फिर पता चलेगा. ये भी ठीक है. क्या लगता है पुनीत, इस बार हम कर पाएंगे? आई होप, क्योंकि अभी भी हम आपको ही फॉलो करने वाले हैं जो सब कमेंट्स में आप लोगों ने बोला कि आप ऐसा ट्राई करो ऐसा ट्राई करो. तो हम उनमें से एक चीज आज ट्राई करने जा रहे हैं. आई होप हम सक्सेसफुल हो. और अगर 1% नहीं भी हुए तो फिर से चेक करके बताना गलती कहाँ हुई. हम छोड़ेंगे नहीं, हम करके रहेंगे यार. हम हिम्मत हारने वाले नहीं है, हम करके रहेंगे. और चक्कर क्या है कि बच्चों को इसके अंदर मजा भी बहुत आता है, पॉपिट भी करते रहते हैं और उसमें चॉकलेट भी डालने फिर से इनको कहते हैं हमें पापा करना ही करना है और इस बार हम करके रहेंगे. एक मजे की बात बताऊं, पिछली बार इस बटरफ्लाई के अंदर चॉकलेट वैसे निकली तो नहीं, मगर जो उसके अंदर चॉकलेट थी ना हमने उसको चम्मच से निकाल के खाया. मैं नहीं मानता, हमने चम्मच से निकाल के पूरा लपेट दिया क्योंकि वो यम्मी तो थी, क्योंकि उसमें बटर था एंड एवरीथिंग. वो बहुत वो निकली नहीं यार, उसमें नट्स था. हमने चम्मच से ऐसे निकाल के उसको खा लिया. इस बार हमारा टारगेट है कि हम उसको ठीक से निकालें और ऐसा बाइट करके डंडियों की तरह खाएं. लेट्स सी हम कर पाते हैं कि नहीं. तो अनन्या क्या प्लान है, क्या करने वाले हो? तो गाइस आपको पता है कि हम चॉकलेट डाल रहे हैं इसमें, तो पहले चॉकलेट तो मेल्ट करनी पड़ेगी. तो हमें चॉकलेट मेल्ट करने के लिए वी हैव सम मोर्टार्स एंड पेस्टल्स हियर. हां क्या है ये? कहना क्या चाहते हो? अरे कहना क्या चाहते हो? शनाया बताएगी हमें अनन्या, क्योंकि ये शनाया करने वाली है. मैंने कहीं कमेंट में ये भी पढ़ा है कि अनन्या ने शनाया को बोलने नहीं देती. सही पकड़े हैं. और आज शनाया बोलेगी. शनाया आप बताओ कि हम क्या करने वाले हैं? हम इसको कूटेंगे. रुको जरा, सबर करो. हम इसको नहीं, हम इसको कूटेंगे. बताओ भाई शनाया. चॉकलेट को हर किसी कूट ली है और अब हम इसे लाइक 1 मिनट टाइम माइक्रो करना है. गाइस मैं आपको बताता हूँ, हमने जो चॉकलेट की जो बार आती है जो क्या कंपाउंड चॉकलेट आती है, हमने उसके छोटे छोटे पीस करे हैं. इसको हम कूटे हमने इससे. And we only prefer milk chocolate, that's your convenience. नहीं वो आप अपने आप देखो. हम इसको ऐसे 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 और थोड़ा थोड़ा और कर लेंगे. आप चॉकलेट मिल्क चॉकलेट डालो, डार्क चॉकलेट डालो, व्हाइट चॉकलेट डालो, आप कोई भी डाल सकते हो. इट्स ऑल अप टू योर टेस्ट. हमने 1 कंपाउंड चॉकलेट जो हमारे पास थी उसको ये तोड़ तोड़ के इस पीसेस में कर लिया है. लेकिन हमने इस पीसेस में क्यों किया ये बताओ. हाँ गाइस, एक तो ना मैं इसको डबल बॉइल करके इस बार ही मेल्ट नहीं कर रही हूँ, मैं इसको करूंगी माइक्रो. थोड़ा सा माइक्रो करो, स्टर करो, मगर इतनी सारी चॉकलेट इकट्ठी नहीं मेल्ट करूंगी, थोड़ी थोड़ी करके करूंगी. एंड देन आई एम गोइंग टू मिक्स इट ऑल. एंड गाइस आप ओवर माइक्रो मत करना वरना चॉकलेट जल जाएगी. हाँ ये नहीं कि छोड़ दिया उसको 1 मिनट लगा के. नो, थोड़ा थोड़ा करो, स्टर करो और फटाफट आपके सामने आपकी चॉकलेट. मैं अब करके लाती हूँ इसको मेल्ट. चलो चलो. Let's see how SpongeBob's patty is shaping up. Guys, finally हमारी ये चॉकलेट पूरी हमने गरम कर ली है और बहुत मेहनत लगी है हमारी. बहुत सही टेक्सचर आया. अब मैं आपको दिखाता हूँ गाइस चॉकलेट क्या बन के आई है. Oh my wow. God.
को लगता है इस बार हम पक्का कर पाएंगे। यार मजा आ गया, बहुत ही यम्मी लग रहा है। और अब यही वाली चॉकलेट हम भरने वाले हैं पॉपिट के अंदर। पॉपिट के अंदर कौन भरने वाला है? टर्न बाय टर्न करेंगे। तो अब शनाया आप स्टार्ट करो, ये लो और पॉपिट में भरना शुरू करो। गाइस पिछली बार आपको याद होगा हमने कोन से किया था, लेकिन इस बार ही कोन से इसलिए नहीं किया क्योंकि बहुत ज्यादा हमारे पास चॉकलेट इजीली हमें ऐसे लगा था, तो हमने कहा ऐसे ही कर लो। एंड गाइस हमने इसमें कुछ भी डाला है एंड लाइक यू नो हमने इसमें प्लेन कुछ नहीं है। और चाहिए होगी चॉकलेट गाइस, हम कुछ मिल्क विल्क में डाले क्योंकि मिल्क से ही ऐसे वो खराब होता है। अरे शनाया उनको पता है यार, उन्होंने तो बताया हमें। गाइस ये चॉकलेट बहुत जल्दी जम रही है तो वी हैव टू डू क्विक। बड़ा मजा आ रहा है, ऐसे लग रहा है मैं घर का पेंट कर रहा हूँ। ओके मैं गाइस शुरू करूँ? और गाइस हां करो करो करो, ये अभी से ही जमनी शुरू हो गई है, इसको फ्रिज की जरूरत ही नहीं है। ये देखो गाइस, ये है, ये है चॉकलेट और ये है हमारी बटरफ्लाई और ये देखो ये है अनन्या। अरे रुक जा, ये जेम्स भी तो लगानी है, सारे तुम यही भुजाई जाओगे। जेम्स दे मुझे, जेम्स दे, जेम्स। फ्रीजर में रखने के लिए और जिस हिसाब से ये जम रही है मुझे लग रहा है ज्यादा टाइम लगेगा नहीं, हम खा पाएंगे, हम बहुत एक्साइटेड है। SpongeBob's Patty is shaping up. सक्सेसफुल ऐसा लग रहा है मुझे, हम सक्सेसफुल हो गए क्योंकि हद तक 99% तक हम पहुंच चुके हैं, क्योंकि हमने इसको उठाया तो एकदम कड़क लग रहा था गाइस। पिछली बार ये वो जमा मतलब जमा भी था और नहीं भी जमा, वो बहुत ही लिक्विड ही था। एंड लेट मी टेल यू ये कितनी देर के अंदर का काम हो गया, 10 मिनट 10 मिनट में जम गया, 10 मिनट बहुत क्विक है यार, बहुत मजा आया। गाइस आई विल शो यू द हार्डनेस, पत्थर बन चुका है ये, टोटल पत्थर। दिस इज ऑलमोस्ट चॉकलेट। अब टाइम आ गया इसको निकालने का। ओके चलो छोटा सा टुकड़ा हमने निकाला है और मैं इसको टेस्ट कर रहा हूँ। ट्राई करो, इस साइड से पील करो, अपने आप निकल जाएगा। सुनो सुनो ये गाइस रियल पॉपिट, आप देख रहे हो पॉपिट है, इसको पॉप करो और खाओ। गाइस जरा मम्मा के साथ, गाइस देखो लाइन ऐसे, मुझे पता चल गया कैसे तोड़ना है। गाइस ये देखो, पहले ऐसे करो और पूरे का पूरा ये बाहर निकलेगा। ओ भाई ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, सारे काम हो जाएंगे। ए शाबाश, मैं अभी निकल गया, निकल गया। दैट वाज अ गुड वन, आई लाइक इट, आई लाइक इट। गाइस फाइनली हमारा एक्सपेरिमेंट पास हो गया। इसकी लर्निंग ये है कि पिछली बार हमने चॉकलेट के अंदर दूध मिला दिया था, आपने कमेंट किया कि दूध मत मिलाओ चॉकलेट नहीं जमेगी, तो इस बार हमने दूध नहीं मिलाया, नॉर्मल कंपाउंड चॉकलेट को माइक्रोवेव किया और पिघला लिया और उससे फर्स्ट क्लास जम गई है। हमारा पॉपिट चॉकलेट चैलेंज कंप्लीट हो गया है और हम लोग बहुत खुश हैं। थैंक यू सो मच यार, इस वीडियो को हिट लाइक कर दो, कमेंट करके बताओ और कौन से वीडियोस बनाए और कौन कौन सी चैलेंजेस करें, रेसिपीज बनाए। आप हमेशा हमारे साथ होते हैं, आपकी वजह से आज हमें चैलेंज पूरा कर पाए हैं, थैंक यू सो मच। हम आपके सारे कमेंट्स पढ़ते हैं गाइस, बहुत सारे कमेंट्स करा करो, हमारे साथ रहा करो क्योंकि आपका साथ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और थैंक यू सो मच जिसने कमेंट करके हमें बताया था, थैंक यू। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को हिट लाइक कर दो, माता पिता की इज्जत करना, भाई बहन को प्यार करना और हमारे वीडियो देखते रहना। बाय, थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। अनन्य की कभी शॉपिंग नहीं होगी, वीडियो लाइव हो चुका है हमारे चैनल RS1313 व्लॉग्स पे। इस बेचारी को कभी कुछ नहीं मिलता, वीडियो देखने के लिए क्लिक 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 क्लिक, बहुत अच्छे वीडियो, क्लिक 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 क्लिक।